हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयुर मेडिकल क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्त्री रोग के सिलेबस के पहले पॉइंट के बारे में। पहला टॉपिक है आर्तव क्षय। तो आर्तव क्षय होता क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्तव क्षय में सबसे पहले आते हैं आर्तव क्षय के लक्षण। तो आर्तव क्षय के लक्षण में एक श्लोक दिया है आचार्य सुश्रुत ने, बताया है आर्तव क्षय यथोचित्त काला दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। इस सुश्रुत सूत्र स्थान का अध्याय पंद्रह है और श्लोक नंबर 2 है। तो इसमें क्या बताया गया है उस पर चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आर्तव का क्षय हो जाता है, यानी आर्तव की जब कमी हो जाती है, आर्तव का ह्रास हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उचित काल में यानी एक मास में जो है, एक महीने में आर्तव का दर्शन नहीं होता है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी है कि अल्पता होना, अल्पता मतलब 3 दिन तक सामान्य रूप से आर्तव का स्त्राव नहीं होता है, ठीक है। और योनि में वेदना होती है। इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आर्तव का क्षय हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब भाव मिश्र ने क्या कहा है, भाव मिश्र ने कहा है कि कट्वम्ल लवणोष्णानि विदाहिनी गुरुणी चय फल साकानी पानामी स्त्री कांक्षत्यार्तव क्षय। मीन्स भाव प्रकाश ने कहा है, भाव मिश्र ने कहा है कि आर्तव का क्षय होने पर जो पीड़ित स्त्री होती है उसे क्या होती है, कटु अम्ल लवण उष्णानी, लवण उष्ण, ठीक है, और विदाही और गुरु पदार्थ जो होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं और शरबत आदि, इनकी इच्छाएँ होती हैं, ठीक है। ये बताया है भाव मिश्र ने। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार एक श्लोक है। श्लोक में कहा गया है तत्र संशोधनम भाग्रेयांताम च द्रव्याणाम विधि वदुपयोग। मीन्स जब आर्तव का क्षय हो जाता है तो आर्तव के क्षय में हम सबसे पहले क्या करें, संशोधन करें तथा जो आग्नेय द्रव्य होते हैं उनका विधिवत उपयोग करें, ठीक है। एक चीज ये बताई गई है। अब चलते हैं आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। तो आचार्य चक्रपाणी ने क्या कहा है कि जो शोधन द्रव्य होते हैं उनकी उपयुक्त मात्रा तथा रुग्णा, जो मतलब रोगी स्त्री है तो उस रुग्णा की जो शोधन योग्यता होती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसका हमें शोधन करना चाहिए, उसका वमन विरेचन। उन्होंने क्या कहा है, वमन विरेचन दोनों का निर्देश दिया है। तो क्या कहा है कि भाई जो शोधन द्रव्य है कि उनकी जो मात्रा है, उनकी डोजेज है, उसका ध्यान रखें और रखें कि जो वो जो रोगी स्त्री है वो हमारे पास आई है, वो हीन बल है, मध्य बल है, किस तरह की वो है, तो उसकी योग्यता का ध्यान रखते हुए उसे शोधन दें। और एक चीज़ और भी है कि चक्रपाणी ने कहा है कि वमन विरेचन दोनों ही आप करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं महर्षि ने पुनः कहा है, क्या कहा है कि इसकी चिकित्सा, हम आर्तव क्षय की चिकित्सा क्षीण आर्तव में नष्ट आर्तव के की तरह ही हम कर सकते हैं। मतलब आर्तव क्षय की जो चिकित्सा है हम नष्ट आर्तव की तरह ही कर सकते हैं, जो नष्ट आर्तव में चिकित्सा बताई है उसकी तरह ही हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अब महर्षि कश्यप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये अनुवासन के योग्य व्याधि है। ऐसा महर्षि कश्यप ने कहा है कि ये अनुवासन के योग्य व्याधि है, ठीक है। अब आते हैं योग रत्नाकर ने में लिखा है एक योग, इसे कहते हैं शीत कल्याण ग्रथ। तो उन्होंने कहा है कि शीत कल्याण ग्रथ का उपयोग करें आर्तव क्षय के दौरान, या आर्तव क्षय व्याधि में शीत कल्याण ग्रथ का उपयोग करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।